रेगिस्तानी बंजर जमीन पर मीठे ज्वारम की काश्त का मंसूबा तैयार। ज़रई माहरीन का कहना है कि फसल की काश्त से सनती और ज़रई शोबे में इनकलाब बरपा होगा और पसपंदा इलाकों के आवाम की समाजी और मुआशी हालत भी बेहतर होगी। इस्लामाबाद से राहिल हसन की रिपोर्ट। गीगा ग्रुप ने पाकिस्तान की ज़रई मईशत को तरक्की देने के लिए रेगिस्तानी बंजर जमीन पर मीठे ज्वारम की काश्त का मंसूबा तैयार कर लिया। ज़रई माहरीन और टेक्नीशियंस पर मुश्तमिल कमेटी के इजलास में मंसूबे का जायजा लिया गया। माहरीन का कहना है कि ज्वारम की फसल बंजर जमीन में काबिले काश्त है। जो रेगिस्तान है जिसपे कोई अदरवाइज फसल नहीं होती, वहाँ पे ये एक मीठा ज्वार स्वीट सोरगम लगाए जिसके ज़रिए न सिर्फ जानवरों के लिए चारा बनेगा, पोल्ट्री फीड बनेगा, लेकिन उसमें एक केमिकल निकलता है एथनॉल अल्कोहल टाइप, जिसको इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है, जिसको फ्यूल के तौर पे भी यूज़ किया जाता है। पाकिस्तान में डेजर्ट इलाका तकरीबन 75% खाली पड़ा हुआ है, सिर्फ 25% पे एग्रीकल्चर हो चुकी है, तो हम चाहते हैं कि उस पर इंडस्ट्रियल टाइप का एग्रीकल्चर को इस तरह से बनाए कि वो इंडस्ट्री बन जाए और पाकिस्तान का एक्सपोर्ट अगले 4-5 सालों में इतना हो जाए कि हमें किसी से भीख मांगने की जरूरत ना पड़े। कमेटी के इजलास में बताया गया कि ज्वारम की फसल की काश्त का पायलट प्रोजेक्ट कामयाब रहा, जिसके बाद बाकायदा मंसूबा शुरू किया जाएगा, जिसके लिए गीगा ग्रुप ने हुकूमत से जमीन फराहमी की दरखास्त की है। कैमरामैन नदीम खान के साथ राहिल हसन, 92 न्यूज़, इस्लामाबाद।